वन टू वन स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर शफी अकबानी हमारे खास मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है वन टू वन स्कूप में। डॉक्टर साहब, आज जो आजकल जो बारिश की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके बारे में आज हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बातें बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो क्यों होता है। उसकी वजह होती है कि वेदर अगर आपका हॉट और ह्यूमिड अगर इस टाइप का हो तो इसमें एक जरासीम फैलता है, जिसको जो अपन उसको जो वायरस बोलेंगे। इस ये बॉडी में इन्फेक्शन करता है, उसके लिए ये इन्फेक्शन जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन कहलाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, ये मलेरिया से मिलते जुलते होते हैं। इसमें ठंड लग के बुखार आता है, उसके बाद सर्दी खांसी होती है और बदन में तेज दर्द होता है। बहुत सारे बार बहुत सारे लोग इसको मलेरिया समझते हैं, मलेरिया के लाइक सिम्टम्स होने की वजह से इसको बहुत सारे लोग मलेरिया भी कहते हैं, लेकिन मलेरिया एक अलग इन्फेक्शन है। ये वायरल इन्फेक्शन और ये एक से एक एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने वाला इन्फेक्शन होता है। इसमें बहुत बहुत सारे बार बहुत ज़्यादा शदीद तौर पे बदन में दर्द होता है, इसलिए बहुत सारे बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसमें एहतियात और ट्रीटमेंट जी हाँ, ये ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो आप जो मरीज है, जो भी वायरल इन्फेक्शन का कोई पेशेंट है, उससे दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। इसलिए आप सबसे बेस्ट है कि उससे आप दूर रहें। दूसरा, अगर आप इन केस अगर आपके घर में किसी को बुखार है या किसी को अगर इन्फेक्शन है, अगर वो पेशेंट खांसता है, छींकता है, उसको एक अलग कमरे में रखिए। थोड़ा सा आइसोलेशन ज़रूरी है। आइसोलेशन का माने होता है कि आप उससे दूर रहें। अगर वो खांसता है, छींकता है, तो पेशेंट को ये चाहिए कि मुंह पे रुमाल रख के खांसे, ताकि दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्शन ना हो। सबसे मेन तो ये होता है कि एक से दूसरे को लगने का है, इसलिए इसको एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसा खांसते वक्त या छींकते वक्त मुंह में रुमाल रख के, मुंह पर रुमाल रख के खांसे, तो यानी फौरन ही डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए अगर किसी मरीज को इस तरह की इन्फेक्शन वगैरह। उसमें ऐसा है कि अगर सबसे पहले बुखार है तो आप टेम्पररी बुखार की दवा दे सकते हैं, जैसे क्रोसिन वगैरह दे दीजिए। उसके बाद तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए और डायग्नोस होना चाहिए कि ये वायरल इन्फेक्शन ही है। इसके इससे मिलती जुलती बाकी भी बीमारियाँ होती है, जैसे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, अभी लास्ट में पीछे में जो स्वाइन फ्लू वगैरह होता है, इनके जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ये तो डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि ये वायरल इन्फेक्शन है या स्वाइन फ्लू है या डेंगू है। इसलिए बेस्ट है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि क्या है। और सेल्फ मेडिकेशन वैसे भी हार्मफुल होता है। अच्छा जी, खुद से अपनी मर्जी से मेडिसिन ना ले, दवाइयाँ ना ले और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे बार पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन किलर वगैरह ले लेता है, तो उसमें फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और पेशेंट और ज़्यादा शदीद बीमार हो जाता है। तो वन टू वन स्कूप के व्यूअर्स है जो देखने वाले हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस करेंगे कि किस तरह की वो एहतियात बरते और उन्हें कुछ जानकारी दीजिए? जी, मैं तो ये कहूँगा कि बरसात के दिनों में वैसे भी एहतियात करना चाहिए। बाहर का खान पान वगैरह नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ ताजे फल ये सब चीज़ें खाना चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर कोई बुखार का मरीज़ है या कोई मरीज़ है, उससे दूर रहें और क्राउड वाली जो जगह होती हैं वहाँ जाना अवॉइड करें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाइयाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें और बुखार वगैरह अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप देखते रहिए वन टू वन स्कूप नए शख्सियत के साथ।